आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जमीनी विवाद के चलते दबंगों द्वारा महिला को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही महिलाएं न्याय के लिए भटक रही हैं। मामला थाना नेवोरा क्षेत्र के गांव नागर का है। महिला का आरोप है कि 24 नवंबर को पीड़ित महिला अपने पुत्र व पुत्र वधू के साथ अपने खेतों में काम कर रही थी। इसी दौरान गाँव में रहने वाले कुछ दबंगों द्वारा पीड़ित महिला व उसके बेटे एवं पुत्र वधू पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। इसी मामले को लेकर पीड़ित महिला न्याय के लिए भटक रही है। क्या पहले तो जिनने मैंने पेड़ा इतने बागा में मानो जिनने मोरी काटी, मोरी के पत्ते में मैंने को मानो कर्मचारी ने छोड़ो मानो सिवरिंग बज बज के दरकास एक साल ते लगा लगा के थाने में मुड़ पटक पटक के दस पाँच बेरा भाजे मुड़ पटक पटक के पर थाने ने मेरे से तैरी ले जाए के दे तो तैरी ले धल्ले पर मोए सबूत नहीं। फिर बेटा मानो बाहू पे तो चली आई हम अपन खेत भाई बे गए बहू के संग ले गो ये तीन बेटने संग ले गो अपने अपने टुकड़ा भाई और थोड़ी सी जमीन है बेटा में बेटा बीज उल्ला है हमें तारनी लगनिया घड़ी जे डाल चंद है देवो है। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी दबंग जान से मारने की धमकी लगातार दे रहे हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस दबंगों के ऊपर कार्यवाही करने से कतरा रही है। पीड़ित महिला कई बार अपनी शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के पास भी जा चुकी है, लेकिन किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो सकी। दबंगों के ऊपर मुकदमा हो जाने के बावजूद भी दबंग खुले आसमान के नीचे बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए तमाम दावे करने वाली योगी सरकार के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।